मे बी आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करना होगा या तो फिर आपको एक मिड रेंज फ़ोन यूज़ करने का होगा, बट ऑब्वियसली आपके पास बजट नहीं होगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है, वो है एक यूज़ फ़ोन खरीदना, जो कि बहुत ही सेंसेबल ऑप्शन लगता है, क्योंकि वो आपको फ्लैगशिप फ़ोन भी मिल जाएगा, वो भी कम प्राइस में। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला, अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन या फिर यूज़ फ़ोन ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ताकि आपको एक बेस्ट फ़ोन मिले आपके पास। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट पर आते हैं मार्केट रिसर्च। ये करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च का, इससे आपको क्या होगा, आपको एक एवरेज प्राइस पता चल जाएगी जो आप फ़ोन लेना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको आपका जो फ़ोन लेना है उसका मॉडल सिलेक्ट करके रखना है। जैसे कि आपको मोस्टली अगर फ्लैगशिप या मिड रेंज फ़ोन ही लोगे तो मोस्टली, जैसे कि आपको आईफोन चाहिए तो आप आईफोन सेलेक्ट करके रखो, मुझे आईफोन 6 आईफोन 7 चाहिए। उसके बाद अलग अलग वेबसाइट पर, जैसे कि OLX और eBay पर जाके आप उसकी प्राइस देख सकते हो। अलग अलग लोग अलग अलग प्राइस डालेंगे। आप लोकल शॉप पे जाकर देख सकते हो जो सेकंड हैंड फ़ोन बेचती है, वहाँ पर आपको प्राइजेस मिलेगी। मार्केट रिसर्च करने से आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगी, ताकि अगर आप किसी सेलर से ले रहे हो और वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हो कि मार्केट में ये प्राइस है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक बेस्ट डील चाहिए तो। अब हमारे सेकेंड ऑप्शन क्या पता है, वो है फिजिकल डैमेजेस चेक करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फ़ोन ले रहे हो, जैसे कि अगर आईफोन और सैमसंग, ये सब फ़ोन आजकल देखो मेटल से बनते हैं और पीछे का जो बैक ग्लास रहता है, तो इसमें बहुत आसानी से आपको पता चल सकता है फ़ोन अगर गिरा है तो कोई डैमेजेस तो नहीं आसपास। इससे एक और चीज़ पता चलती है, अगर किसी ने फ़ोन गिराया होगा और उसकी स्क्रीन टूटी होगी तो आपको उधर एक ऐसे डेंट वेंट टाइप कुछ दिखेगा, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर स्क्रीन, मतलब अंदाज़ा लगा सकते कि स्क्रीन टूटी थी कि नहीं टूटी थी। क्योंकि फिजिकल डैमेजेस पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ़ोन गिर के इंटरनल कंपोनेंट्स को अगर ज़्यादा कुछ होता है तो आपका फ़ोन ऊपर से तो अच्छा दिखेगा लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम देगा। तो आपको फिजिकल डैमेजेस चेक करने, लाइक स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैचेस है, कितने स्क्रैचेस है, उससे आप उनको प्राइस कम करने के लिए और बोल सकते हो। हमारे थर्ड पॉइंट की बात है इंटरनल्स चेक करना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसी चीज़ है जो आप देखते वक्त में ऊपर से फ़ोन में समझ भी नहीं आती, लेकिन वो यूज़ करने पे समझ में आती है। तो अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हो तो आप एक सिम कार्ड हो सके तो लेके जाइए और चेक कर लीजिए उसके अंदर सिम कार्ड डाल के कि सिम कार्ड स्लॉट वर्क कर रहे, SD कार्ड स्लॉट वर्क कर रहा, एक बार फ़ोन कॉल करके भी देख लीजिए। उससे आपका माइक्रोफोन टेस्ट, स्पीकर टेस्ट ये भी हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी हो जाएगा कि आपका फ़ोन, मतलब वो फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि कॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ उसका टच स्क्रीन भी चेक करिए कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, फिर वो टच स्क्रीन से अटक अटक के चल रहा है। आप साथ में कैमरा भी चेक कर लीजिए अलग अलग एंगल से, ताकि आपको ये पता चले कि इस कैमरे पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कैमरे में कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक और मेन चीज़, आप ये देखिए कि आपका फ़ोन हल्का सा कोई फूला हुआ तो नहीं है, अगर वैसा है तो यानी कि बैटरी अंदर की ख़राब है, तो उससे ये भी आपको पता चल जाएगा। हर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, पोर्ट्स चेक करना। हो सके तो आप USB केबल लेके जाइए, पेन ड्राइव लेके जाइए, जिससे आप अपने OTG कनेक्शन और कहते हैं एक हेडफोन जैक, हेडफोन लेके जाइए। अगर इसमें हेडफोन है तो हेडफोन जैक भी चेक करिए, सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इवन सॉफ्टवेयर भी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सॉफ्टवेयर में आपको चेक क्या करना है, आपको बस ये चेक करना है कि आपका फ़ोन रूटेड है या जेल ब्रेक्ड है कि नहीं है। ऑब्वियसली आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि रिकगनाइज करते कि कहते जो फ़ोन है वो रूटेड है या नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा। उससे आप अगर रूटेड है तो मैं बोलूँगा आप फ़ोन ना खरीदिए, क्योंकि गड़बड़ भी, मतलब वो जो रूटेड फ़ोन रहते हैं बड़े डेलिकेट रहते हैं। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो तो आप उसे बोल सकते हो कि आप इसकी प्राइस और कम कर दीजिए क्योंकि रूटेड है। हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं, बिल और बॉक्स एक्सेसरीज के बारे में। तो अगर आप एक फ़ोन ले रहे हो और आप सबसे पहले तो उससे बिल ज़रूर मांगिए, क्योंकि अगर चोरी का फ़ोन है तो आप ज़रूर प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर फ़ोन का कभी ट्रैक वैक किया तो, स्पेशली महंगे फ़ोन आसानी से ट्रैक वगैरह करा जाता है। दूसरी बात है बॉक्स एसेसरीज आपको ज़रूर से लेनी है, लाइक बॉक्स होना चाहिए उसकी सारी एक्सेसरी, लाइक चार्जर, USB केबल, ईयरफोन्स है तो ईयरफोन्स, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप उसको और प्राइस कम करने के लिए बोल सकते हैं सेलर को, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बिना बिल के तो आप फ़ोन ना लीजिए तो बेटर है। और इवन अगर जो USB केबल रहती है आप उसे भी चेक कर लीजिए कि उससे, मोस्टली केबल जो रहती है चार्जिंग तो करती है बट केबल अगर ख़राब हो जाती है तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं करती। तो आप अगर हो सके तो लैपटॉप या टैबलेट लेके आके डेटा ट्रांसफ़र भी चेक कर लीजिए केबल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
एट देन हमारे जो लास्ट पॉइंट है वो है वारंटी। हो सके तो आप देखिए कि फ़ोन वारंटी में है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपना नया फ़ोन लाइक 6 महीने यूज़ करने के बाद बेच देते हैं, क्योंकि नया फ़ोन आ जाता है मार्केट में, और ऐसे टाइम पर आपको वारंटी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर आपको वारंटी नहीं मिलती है तो आप मैं बोलूँगा हो सके तो एक्सटर्नल वारंटी ले लीजिए 3 महीने की या 4 महीने की, क्योंकि वो एक सेकेंड हैंड फ़ोन है तो आपको नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम अगर दे दे तो आपको खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो ऐसे टाइम पर वारंटी आपको एटलीस्ट सेव कर देगा। तो गाइस इसके साथ मैं आज थोड़ी यही खत्म होता वीडियो की, अगर इसकी बार लाइक एंड गाइस सब्सक्राइब करो, लाल बटन से दबा दीजिए, और गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी, नेक्स्ट वीडियो के स्टूडेंट्स। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।